हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स का, तो वहाँ पे हम इसका दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो डेडलॉक अवॉइडेंस। लास्ट टाइम हमने इसके जो दो एल्गोरिथम थे वो किए थे, जो थे सेफ स्टेट का एल्गोरिथम और दूसरा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। आज इसका हम थर्ड एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जो है बैंकर्स एल्गोरिथम, जिस पर मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर डेडलॉक अवॉइडेंस से क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली पूछेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, या एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो, जिन बच्चों को ये टॉपिक मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ करने की क्या इसकी थ्योरी है, कौन सा एग्जैक्टली इसका जो कोडिंग बेस्ड एल्गोरिथम है वो क्या है और कैसे उसका कोडिंग के हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसका मैंने बहुत टाइम पहले वीडियोस बनाए थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमेजेस आप देख ही रहे होंगे इसकी है, तो वो आप कर सकते हो। आज हम बेसिकली जो हमारे लिए इनफ होगा उसके हिसाब से करेंगे। एक एल्गोरिथम एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं जो गैल्विन की बुक से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो बैंकर्स एल्गोरिथम ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया कि सेफ स्टेट में तो हम एक सिंगल रिसोर्स टाइप के ऊपर काम कर रहे थे, बट इसने दिया कि अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आ जाए तो हम कैसे ये चीज डिसाइड करें कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा, आज वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चीज बताता हूँ कि क्या क्या न्यूमेरिकल में गिवन होगी। सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज गिवन होंगे, जैसे ए बी सी, ये कुछ भी हो सकते हैं, टेप ड्राइवर के नाम से आ सकता है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, कोई फाइल, कोई मेमोरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ए बी सी के नाम से है और ये बताया हुआ है कि एक जो है 10 है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास सिस्टम में ए के रिसोर्सेज कितने हैं, 10, बी के 5 और सी के 7। ओके, देन हमें प्रोसेसेस गिवन होंगे P0 से लेके P4 हमें इस न्यूमेरिकल में गिवन है, टोटल 5 प्रोसेसेस। देन नेक्स्ट कॉलम में हमें ये बताया गया मैक्सिमम नीड, जिसका क्या मतलब है कि P0 को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो है ए के 7, बी के 5, सी के 3। यानी कि हमने इस कॉन्सेप्ट में जो सेफ स्टेट का कॉन्सेप्ट था वही लगाया, जहाँ पे चीज क्या थी, हम एडवांस में ही हम प्रोसेसेस से क्या ले लेते हैं, प्री इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि भाई ये बता तुझे अपना काम करने के लिए कितने प्रोसेसेस की मैक्सिमम जरूरत पड़ने वाली है, तो ये वही है। ठीक है, P0 के लिए ये, P1 के लिए P2, P3, P4, ऐसे। नेक्स्ट चीज क्या है कि किसी टाइम इंटरवल पे, किसी टाइम ऑफ पॉइंट पे हमने ये देखा कि इसको कितने एलोकेटेड है, मतलब जैसे कि ए के 0, बी का 1, सी के 0, P0 के लिए, ठीक है, ऐसे P1 के लिए 2, 0, 0, इस तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास एक चीज और गिवन है कि हमारे पास अवेलेबल इस टाइम कितने हैं, तो वो है हमारे पास इस टाइम, मैं लिखना भूल गया था, 3, 3, 2, मतलब उस टाइम पे हमारे पास करेंटली अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज इतने बचे हुए हैं, 3, 3, 2। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी चीज हमें ये निकालना है कि एक सेफ सीक्वेंस जिसके बाद मैं ये डिसीजन ले सकूं कि हाँ भाई अब मेरा प्रोसेस, मतलब मेरा जो सिस्टम है सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो करने का तरीका क्या, शॉर्टकट बताता हूँ, सीधा सा देखिए, हमें निकालनी है सबसे पहले रिमेनिंग नीड, जो हमारा पास कॉलम है इसको भरना है, मतलब कि इसको अब बचे कितने चाहिए, टोटल इतने चाहिए थे, दे दिए हमने इतने, अब कितने बच गए, सिंपल सी चीज़ वो निकालनी है। तो 7 में से 0 गए कितने बचे, 5 में से 1 मिल गया कितने बचे, 4, और 3 में से 0 मिले तो कितने बचे, 3। ओके, इसको शॉर्टकट क्या है, सिंपल सा करने का, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लो कि कोई रिसोर्सेज नहीं है, एक नंबर लिख लो 753, इसमें से 010, मतलब अब कितने बचेंगे, माइनस कर लो, आ गया, ये चीज आएगी, तो यही फॉलो करो आप। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे निकालते हैं, देखो 322 में से 200 गए तो कितने बचे, सिंपल सी 122 बचा। अगली चीज 902 में से 302 गए तो 600 बचे। ओके, 222 में से 211 मिल गए तो कितने बचेंगे, अब 011 यानी 11। 433 में से सिर्फ उसको 2 मिले तो कितने बचेंगे, सिंपल 430 और 31। ठीक है, यही हुआ ना, हाँ। अब क्या करना है,
अब हमें ये देखना है कि भाई मेरे पास इतने हैं और ये प्रोसेसेस इतने इतने मांग रहे हैं, तो मैं एक एक करके चेक करूंगा कि मैं इन प्रोसेसेस की इस अवेलेबल रिसोर्सेज से किसकी नीड भर सकता हूँ। सीधी सी बात है, क्या 743 वाले का पेट भर सकता हूँ 3332 से? बिल्कुल भी नहीं। क्या 122 वाले का पेट भर सकता हूँ 332 से? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। तो क्या करूँगा, इस प्रोसेस को P1 को सबसे पहले चांस दूंगा, मतलब रिसोर्सेज एलोकेट करने वाला हूँ। फोकस करना, यहाँ से एक छोटी सी गलती बच्चे कर जाएंगे, वो भी बताऊँगा कि हमें कहाँ पे ध्यान रखना है। 122 मैंने इसको दे दिए, हमें इसको कहीं नहीं लिखना कि मैंने इसको इतने दे दिए, बस सिंपल इस चार्ट पे फोकस करो, 122 दे दिए। अब ये सोचो कि P1 को मैंने इतने दे दिए, P1 का वेट कर रहे कि वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ओके, काम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास वो रिसोर्सिस को रिलीज करेगा, ठीक है जी, कितने करेगा 322, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि फाइनली ये निकालना है कि P1 का काम कंप्लीट होने के बाद मेरे पास अब जो रिसोर्सेज रिलीज होंगे तो टोटल कितने अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है, आपको जो करेंटली अवेलेबल थे 332, ओके, और कौन से प्रोसेस पे खड़े हम, P1 पे, P1 का एलोकेटेड कितने हैं 200, इसको ऐड कर दो 532, जो कि आपको क्या बता रहा है कि अब ये आपके पास करंटली बचे हुए अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो इसको कहाँ लिखोगे, P1 के आगे 532, P1 का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, P1 का काम हो गया, अब हम चेक करेंगे कि हम किसको रिसोर्स दें ताकि भाई आगे गाड़ी बढ़ा सके। क्या 532 से 743 वाले का पेट भर सकता हूँ? नहीं। 600 वाले का? नहीं। तो क्या करूँगा, अगले पे जाऊँगा, P3 को देखूँ, 011 यानी 11 मांग रहा है, 532 है हमारे पास। तो सिंपल क्या करूँगा, P3 को नंबर दूंगा, यहाँ से P3 पे आ गया। ओके, क्या करेंगे, सिंपल चीज़, रिसोर्सेज दे दिए, अब इसमें ऐड कितने करूँगा, जितने इसके एलोकेटेड होंगे, 532 में 211 ऐड कर दो आप, कितना आएगा 3,4,743, ठीक है। मतलब जब P3 का काम हो जाएगा तो हमारे पास टोटल जो रिलीज होके आ जाएंगे और हमारे पास होंगे कितने होंगे 743, ओके। और क्या हो गया, इसका काम हो गया, P3 के लिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं किसको दूं 743 दे सकता हूं, पेट भर सकता हूं, 600 वाले को भी देके पेट भर सकता हूँ, 431 वाले को भी देके पेट भर सकता हूँ। मतलब मेरे पास तीन प्रोसेसेस ऐसे हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। रीज़न के आपको ध्यान हो, पॉइंट सेफ स्टेट के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई हमारे पास मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस निकल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप प्रोसेस ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि हमने P0 को ही दे दिया, ठीक है, P0 को देंगे तो पहले अब इसको मिटा लो, ठीक है। अब क्या होगा, 743 आ गए और टोटल एलोकेटेड कितने हैं, तो जब P0 अपना काम कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 743 और 10 753 अवेलेबल, ठीक है, और इसका भी काम हो गया P0 का। अब आगे चलते हैं, सीक्वेंस पर लेते हैं कि P2 को दे देते हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं आता, बस थोड़ा सा फोकस करना है। P2 को नंबर दूंगा 753 प्लस में 302 एलोकेटेड वाला ऐड करना, ध्यान रखना बच्चे गलती कर देते हैं, रिमेनिंग वाला कर लेंगे या मैक्सिमम नीड वाले के अंदर अवेलेबल डाल देंगे, ये नहीं करना, अवेलेबल के अंदर सिर्फ एलोकेटेड ए और ए याद रखो, ठीक है। 753 है, 302 ये दे रहा है, कितने हो जाएंगे 7 × 3 = 10, 5 × 5 और 3 × 2 = 5, यानी 10 × 55 हो गए और P2 का काम हो गया। ओके, आखिरी में आया P4 का नंबर, क्या करना है, P4 को चांस देंगे, 002 ऐड करना है, सिंपल सी चीज, 10 के अंदर ये 5 और 7 आखिरी में ये आएगा और P4 का सीक्वेंस में एडअप हो जाएगा। तो मेरे पास क्या सीक्वेंस बना, P1 P3 P0 P2 P4 10 × 57 आया, 10 × 57 देखो सेम। तो मतलब चेक करने का तरीका कि हाँ हम बिल्कुल सही पहुँचे, कोई गलत किसी को एलोकेट नहीं किया, आंसर्स ठीक आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, तो उसको कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ है बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि डेडलॉक का जो तीसरा हैंडलिंग मेथड है हमारे पास, जहाँ पे हम देखेंगे डिटेक्शन एंड रिकवरी किस तरीके से, क्या पॉइंट्स फॉलो करते हैं, ओके।
तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि जिसको डीप में करना है कि बिल्कुल एल्गोरिथम क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वीडियो का लिंक नीचे है, जाके उसको देख सकते हो। ओके, थैंक यू।